आज ने प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं, जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है, पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं, जल्दी से जल्दी ये काम होगा यही आश्वस्त किया है। वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा के पास रास्ते में बनाया जा रहा है एक टनल। दरअसल गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर इस टनल के बन जाने से तकरीबन 40 किलोमीटर का रास्ता और छोटा हो जाएगा, लेकिन इस रास्ते को बनाने के काम में लगे हुए मजदूर दीपावली के दिन अचानक इस टनल में फंस गए और 41 मजदूर लगातार फंसे हुए हैं। आज 16वां दिन है जब यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हर उस विभाग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इनसे संबंध रखते हैं और ऐसे में NDRF, SDRF, आर्मी के जवान हैं, तमाम वो डिपार्टमेंट्स जो इसमें अपना योगदान दे सकते हैं उनकी मौजूदगी है और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं यहाँ वो काम युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन एक और खास तस्वीर यहाँ पर जो लोग हैं वो स्थानीय लोग दिखाई दे रहे हैं टनल के बिल्कुल नजदीक। इनका दावा है कि पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, निर्माण कार्य के लिए उसे हटाया गया और क्या कहीं उसकी वजह से तो कोई आपदा नहीं आई। इस आशंका के चलते उन्होंने आज के सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ हवन पूजन की शुरुआत वो करने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये स्थानीय ग्रामवासी हैं, मंदिर के पुजारी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक पीला झंडा उन्होंने लगाया हुआ है, अस्थायी रूप से एक बाबा नाग का मंदिर भी बनाया गया है नजदीक में ही टनल के जो एकदम मुहाने पर है। पूजा अर्चना और हवन यहाँ पर शुरू होने वाली है, लेकिन अब जो तकनीकी आधार पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वो सबसे अहम भी है क्योंकि उस पर देश भर की निगाह और निगाह प्रधानमंत्री की भी। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा खुद यहाँ पर कुछ देर पहले ही पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और वो टनल के भीतर भी गए, एक लंबा वक्त उन्होंने बिताया और खुद मजदूरों से भी बात की। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीके मिश्रा खुद यहाँ पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह इसकी पल पल की जानकारी लेनी चाहिए खुद मुख्य सचिव को यहाँ पर भेजा और उन्होंने मजदूरों से भी बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है, विस्तार से उनके स्वास्थ्य के बारे में किस तरह की जानकारी ली है पीके मिश्रा ने वो भी सुनिए। हेलो, मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, क्या कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर्स नहीं, आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? और कुछ राइस ये सब मिलता था? ये सब राइस सब्जी दाल तो ठंडा हो गया होगा। और वहाँ लाइट भी है सब? और अभी आज तो हम आए हैं, मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी तो हो जाएगा, कुछ सक्सेसफुल लगता है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। और खुद पीके मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है, वो खुद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यहाँ पहुंचे हुए हैं, होम सेक्रेटरी पहुंचे हुए हैं, उत्तराखंड के
चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है और इस तरह से यहाँ पर लगातार युद्ध स्तर पर लगातार काम जारी है। जहाँ हॉरिजेंटल तरीके से एक ऑगर मशीन के जरिए रास्ता बनाकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी लेकिन कुछ बाधा आई थी, अब उस बाधा को दूर करके रेड माइनिंग शुरू होगी यानी हाथ से खुदाई करके आगे बढ़ने की कोशिश होगी। लेकिन ये एक प्लान ए था, लेकिन प्लान बी जिस पर काम लगातार जारी है और वो रुका नहीं है, और वो है यहाँ इसी टनल के ऊपर पहाड़ी की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम, यानी सीधे टनल तक छेद करके एक ऐसा बोरिंग तैयार किया जाए जहां से उन मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। और इस पर बेहद कामयाबी के साथ काम आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। 30 मीटर से भी ज्यादा बोरिंग अब तक चोटी से हो चुकी है और किस तरह से ये काम जारी है हमारे सहयोगी बता रहे हैं। काम अपनी रफ्तार में चल रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है, तो कह सकते हैं कि अगर ये ड्रिलिंग सफल हुई तो यहाँ ये जल्दी से जल्दी मजदूरों तक पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो ये ऑगर मशीन जो टनल के अंदर जो ड्रिलिंग हो रही थी जिसमें रिकॉर्ड लगातार आ रही थी, तो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वर्टिकल ड्रिलिंग है वो 1.2 डायमीटर की है। अगर ये सफल होती है तो जल्द ही 3 से 4 दिन का समय बताया गया है मजदूरों तक पहुंच जाएगी ड्रिलिंग। उसके बाद जो एनडीआरएफ के जवान होंगे वो उस टनल के होते हुए मजदूरों तक पहुंचेंगे और वहां से रेस्क्यू का प्लान है, तो अभी तक कोई रुकावट नहीं है। हालांकि मौसम बाधा बन सकता है। इसी तरह से अगर हम टनल के अंदर की बात करें यह भी महत्वपूर्ण है। लगातार शुरू से हम देखते आ रहे थे कि इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था और हर पीसी जब होती थी तो 2 से 3 दिन का समय बताया जाता कि 2 से 3 दिन में ये काम पूरा कर दिया जाएगा, पर 16 दिन हो गए हैं और जो ऑगर मशीन है उसके सामने रुकावट पे रुकावट आ रही है। पिछले अगर 48 घंटे की हम बात करें तो 48 घंटे से जो ऑगर के पार्ट्स है वो जो पाइप के अंदर फंस गए हैं उनको प्लाज्मा जो कटर है उससे काटा जा रहा है।